हूं प्रतीक शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, यानी बगैर जांच के गिरफ्तारी होगी। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने आज फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस कानून के तहत एससी एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में पीठ ने संकेत दिया था कि यह तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के लिए एससी एसटी अधिनियम में केंद्र द्वारा दिए गए संशोधनों को बरकरार रखेगा। कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि हम किसी भी प्रावधान को कम नहीं कर रहे, इन प्रावधानों को कम नहीं किया जाएगा, कानून वैसा ही होना चाहिए जैसा वह था, उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यह समीक्षा याचिका और अधिनियम में संशोधनों पर निर्णय से पहले था। अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि एससी एसटी कानून के तहत किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस प्राथमिक जांच कर सकती है अगर प्रथम दृष्टया में उसे शिकायतें झूठी लगती हैं। प्रयागराज में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब रामनगरी अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का सभी को इंतजार है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने के बाद अब मंदिर के निर्माण की तिथि जल्द ही घोषित हो जाएगी। माना जा रहा है कि नव समस्तर से हनुमान जयंती के बीच कोई अच्छा मुहूर्त देखकर निर्माण की तारीख तय की जा सकती है। इसका संकेत श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद ने प्रयागराज में दिया। उन्होंने बताया कि पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में होगी, जिससे राम मंदिर निर्माण को लेकर एजेंडा तय किया जाएगा। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि श्री राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। स्वामी वासुदेवानंद ने प्रयागराज के अलोपी बाग में अपने आश्रम में श्री राम मंदिर के निर्माण और इसके लिए बने ट्रस्ट के संबंध में बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहली बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन इनमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी या उसी बैठक में तय किया जाएगा। इसमें पदाधिकारी भी चुने जाने के सवाल का जवाब भी उन्होंने सिर हिलाकर हां में दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्राथमिकता भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए तिथि घोषित करना है। ट्रस्ट का उद्देश्य और संकल्प अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण है। इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी उसे गांव-गांव जाकर आमजन से जुटाया जाएगा। वही खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पीएससी की 3 महिला बटालियन का गठन करेगी। इसमें गोरखपुर के साथ लखनऊ और बदायूं शामिल है। गोरखपुर बटालियन का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि पीएससी की यह बटालियन महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इस बटालियन के जरिए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एवं प्रदेश की पहली पीएससी महिला बटालियन के परिसर की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों से गोरखपुर का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जमीन के अभाव में स्वयं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर पा रहा था। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया था। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो उस समय उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख पद खाली थे। पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद इन भर्तियों को स्ट्रीमलाइन किया गया। पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिस के रिक्रूट की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्रों की सहायता ली गई, जिसके जरिए अब तक 85,000 भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं। शेष भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्द पूरी कर लेंगे। वहीं लखनऊ में एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी में देश की रक्षा उत्पादन इकाइयों ने दुनिया को मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई। तो मेक इन यूपी का संदेश देने में योगी आदित्यनाथ सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। डिफेंस इंडिया एक्सपो 2020 में पाताल से आकाश तक छा जाने वाली तकनीक और हथियारों के बीच उत्तर प्रदेश के गली मोहल्लों में बैठकर तरह तरह के उत्पाद बनाने वाले कलाकारों और कामगारों के हुनर को मिली दाद व्यापारिक नतीजों के रूप में सामने है। लखनऊ में रक्षा मंत्रालय की आवास विकास विभाग की वृंदावन योजना में 5 से 9 फरवरी तक आयोजित डिफेंस एक्सपो में 40 से अधिक देशों की रक्षा उत्पादन कंपनियों ने भाग लिया। भारत सहित इन देशों ने अपने अपने अत्याधुनिक हथियार और उपकरण यहां प्रदर्शित किए। इंडिया पवेलियन की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पवेलियन बनाया। यहाँ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने अलग अलग प्रदर्शनी लगाई, जिनमें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चिन्हित उत्पादों के 65 स्टॉल लगाए गए। इनमें भदोही के कालीन, अलीगढ़ के हार्डवेयर उत्पाद, फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, आगरा के चमड़ा उत्पाद सहित सभी वह उत्पाद थे जो जिलों की पहचान दिलाते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला और नियुक्ति पत्र समारोह को संबोधित करते हुए रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष सरकार की ओर से एक इंटर्नशिप स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके तहत युवाओं को उनकी शिक्षा के मुताबिक विभिन्न संस्थाओं और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। 6 महीने या फिर साल भर की इंटर्नशिप करने वाले हर युवा को मानदेय के तौर पर 2500 रुपये दिया जाएगा। इनमें से 1500 रुपये केंद्र सरकार और 1000 रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के प्लेसमेंट का इंतजाम भी सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए एक HR सेल भी बनाई जाएगी। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें 70 देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और चीफ डिफेंस के शामिल होने से यह तय हो गया है कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में आयातक ही नहीं रहेगा बल्कि निर्यातक भी बनेगा। इसका केंद्र उत्तर प्रदेश बनेगा। जिन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए देश विदेश की विभिन्न कंपनियों से करार किया गया है। इसमें करीब 50 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को केंद्र और प्रदेश की सरकारें बखूबी जानती हैं। हर युवा को उसकी विशेषज्ञता क्षेत्र व क्षमता के मुताबिक रोजगार मिले, इसके लिए नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार के 3 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करते हुए सीधे नौकरी देने की परंपरा शुरू की गई है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।